गुड मॉर्निंग क्लास फोर लेक्चर नंबर 43 मैथ्स यूनिट नंबर टू पेज नंबर 25। बच्चे कल के लेक्चर में मैंने आपको सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर वन पेज नंबर 25 पर दिया था। ए पार्ट मैंने किया था और बाकी उसके एफ तक पार्ट मैंने आपको होमवर्क दिया है। होपफुली आप लोगों ने होमवर्क किया होगा। अच्छा, आज जो है हमारे वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो रहे हैं। प्लीज़ कम टू द बुक। ये आपके पास है, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 742579। इफ देयर आर 484014 मैन, फाइंड द नंबर ऑफ द वुमेन इन द सिटी। एक सिटी है, उसकी टोटल पॉपुलेशन आपके पास कितनी है? 742579 है। आपको कह रहे हैं कि अगर उसमें 484014 मैन है तो बाकी जो है वो औरतों की तादाद बताएं, वुमेन्स की तादाद बताएं कि उस शहर में कितनी है। कम टू द बोर्ड प्लीज। अच्छा जी, आपके पास है टोटल पॉपुलेशन। सबसे पहले तो आपने गिवन डेटा लिखना है कि गिवन डेटा आपके पास क्या है। टोटल पॉपुलेशन है आपके पास 742579। टोटल नंबर ऑफ मैन कितना है? 484014। नंबर ऑफ वुमेन आपके पास है, ये टोटल पॉपुलेशन, और ये है नंबर ऑफ मैन। ठीक है, आपने क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ वुमेन फाइंड करना है। तो आप इस टोटल पॉपुलेशन में से नंबर ऑफ मेन को जब निकाल देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ वुमेन आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपने क्या करना है? इसके लिए सबसे पहले आपने 742579, उसके बाद उनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है ऊपर, और बेशक ये पेंसिल से लिखें। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ मेन आपने नीचे लिख देना है। अब आप इसको इसमें से क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितना है? 5। 7 में से 1 गए 6, 5 में से 0 गए तो 5, 2 में से 4 नहीं जा सकता, इसलिए 12 में से हम क्या करेंगे? 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ से हमने क्या लिया? 1 कैरी, और क्या रह गया पीछे? 3। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्या आया आपके पास? 8। 3 में से 8 नहीं जा सकता, इसलिए 13 में से 8 गए तो यहाँ पर क्या रह गया? 6। 8, 9, 10, 11, 12, 13 क्या आ गया आपके पास? 5। 6 में से 4 गए तो 2। सो नंबर ऑफ वुमेन इज 2, 5, 8, 5, 6, 5 ओके, ये आपका आंसर। और इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, बिल्कुल सेम यही मेथड है, इसी तरीके से आपने करना है। पहले क्वेश्चन को पढ़ के उसको समझना है, देन उसके बाद आपने उसमें सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस करना है। ठीक है बच्चे, थैंक यू।